नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर शाहजहांपुर से। आपको बता दें, शाहजहांपुर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कलेक्टर में मीडिया से वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले में कई कार्यों को किया जा रहा है। महिला को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों पर गोष्ठी के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कलेक्टर समेत जिले की सभी तहसीलों में मिशन शक्ति के नाम से पार्कों को सौंदर्यीकरण के साथ विकसित किया गया है, जहां महिलाओं के बैठने, प्रशासन एवं स्तनपान कराने की उचित व्यवस्था की गई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और महिलाओं का, आप भी सुने। हम लोग चाहेंगे अभी सर, मिशन शक्ति के तहत किस तरह से महिलाओं और लड़कियों के कलेक्ट्रेट के अलावा कई जगहों पर सौंदर्यीकरण के साथ साथ उनके बैठने के लिए व्यवस्थाएं की? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके दृष्टिगत हमने जनपद शाहजहांपुर में हर तहसील में और जिला मुख्यालय पर एक एक पार्क चिन्हित किया है और उस पार्क का सौंदर्यीकरण करके उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पार्क के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं। ये समस्त पार्क सभी तहसीलों में और कलेक्ट्रेट में स्थापित किए गए हैं। इसका पर्पज़ ये है कि महिलाएँ और बच्चियाँ अगर किसी अपने कार्य से आती हैं तो उनको एक ओपन स्पेस मिल सके जिसमें वो बैठें और अपनी कुछ समय अगर उनको गुजारना है तो वो समय गुजारें। तो एक तरह से इससे सौंदर्यीकरण भी हो रहा है और एक अभियान के रूप में इन चीज़ों को विकसित करने से उनका का जो कमिटमेंट है सरकार का वो प्रदर्शित हो रहा है कि वो महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित सरकार है। यहाँ पर एक कबाड़ की बस थी जिसको एक महिला समूह के माध्यम से स्वावलंबी भारत के आत्मनिर्भर भारत के नज़रिए से विकसित किया गया है और उसको गर्ल्स कॉलेज के पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पार्क के पास एक स्थान देकर उसे संचालित किया जा रहा है। इससे महिलाओं के समूह का न केवल उत्थान हो रहा है, उनको आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर हो रही है, बल्कि जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं कॉलेज की, उनको भी एक सुरक्षित स्थान मिल रहा है जहां पर वो अपना कुछ स्नैक्स लेना चाहें, कुछ खाना पीना चाहें तो वो उसका आनंद ले रहे हैं। इसी प्रकार कलेक्ट्रेट में अलग से एक पार्क विकसित किया गया है जो केवल बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है और उस पार्क में का उपयोग केवल और केवल महिलाएं करेंगी। सामान्य रूप से सरकारी कार्यालयों में उनके बैठने के लिए कोई अलग स्थान नहीं होता, तो इस अलग स्थान के रूप में उसे चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार से जो गोद में बच्चा होता है महिला के, उसको डायपर चेंज करना है या उसकी कोई और नीड है, स्तनपान इत्यादि कराना है, तो उसके लिए भी कोई स्थान नहीं होता सामान्य जगहों पर, तो उसके लिए भी कलेक्ट्रेट में एक पार्क के समीप ही एक कक्ष विकसित किया जा रहा है बाल्य देखभाल कक्ष के रूप में, जिसमें एक बिस्तर होगा और उसमें डायपर इत्यादि बदलने की सामग्री होगी और महिला प्रसाधन की व्यवस्था होगी ताकि महिलाएं और बच्चियां कंफर्टेबली अपने बच्चे के साथ अगर आ रही हैं छोटे बच्चे के साथ तो वो भी अपनी बात संबंधित कार्यालयों में अधिकारियों के समक्ष रख सकें और थोड़ा वक्त गुजार सकें। तो इस प्रकार से कोशिश ये है कि पूरे माहौल को महिलाओं के लिए ज़्यादा सहज और ज़्यादा सुगम माहौल के रूप में विकसित किया जाए। सभी थानों में पिंक डेस्क का निर्माण इसीलिए किया गया है और वहाँ पर महिला कर्मी, महिला पुलिस कर्मी या महिला सब इंस्पेक्टर स्तर की अधिकारी महिलाओं की शिकायतों को और समस्याओं को सुनती है ताकि वो निर्भय होकर अपनी बात कह सकें। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है कि हर दृष्टि से महिलाएँ अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें, सिस्टम और व्यवस्था उनके साथ है ये एहसास उनको मिल सके और अगर किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट वो करती हैं तो उसका गुणवत्ता परक और तेज़ी से निस्तारण हो रहा है, सिस्टम रिस्पॉन्सिव है, ये उनको एहसास हो सके, इस दिशा में किए गए समस्त कार्य हैं। मैं समझता हूँ इसका आने वाले समय पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इनको महिलाओं के द्वारा सराहा भी जा रहा है। अभी इसी श्रृंखला में जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ हैं उनके सशक्तिकरण के लिए महिला समूहों को राशन वितरण की व्यवस्था दी गई है, उनको जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनके रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है और उनको राशन वितरण के साथ साथ जो पोषाहार है, जो गर्भवती माताएं हैं या जो धात्री माताएं हैं
या जो कुपोषित बच्चे हैं उनको जो सरकार की ओर से पोषाहार मिलता है उसके वितरण का भी दायित्व सौंपा गया है, ताकि उससे होने वाली आय से महिला समूह स्वयं को आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम महसूस कर सकें। तो ये सब इस दिशा में किए गए कार्रवाई है और ये निरंतर चलने वाली कार्रवाई है जो अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहे। शाहजहांपुर से योगेश बाजपेयी की रिपोर्ट।